ऐसे ही मारेगा क्या बात है? देख लो इसका नाम खराब कर दिया। कुलदीप भाई जीत रहे हैं। तुम लोग लाइव हो, समझे क्या? क्या बात है, पप्पू भाई जीत गए? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? असंभव। अरे कांग्रेस, पप्पू तू जीत गया, कुलदीप पप्पा, मोदी पप्पा हार गए, ये कैसे हो रहा है? चलो देखते हैं, सेटिंग कर ले, सेटिंग कर ले, चल। सेटिंग नहीं करने का कोई शौक है? ओ माय गॉड, अरे कार्ड हटा ले। ओ मोदी जी जीत गए, जीत गए मोदी जी, जीत गए मोदी जी, जीत गए। ओ माय गॉड, मोदी जी फिर से हार गए। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ वाज योर पेपर? क्या बात है, विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाकर लिखो। सब लिखा 40 मार्क्स का। ओ माय गॉड, देश का क्या लिखा? देश का विदेश। वीर, वीर कायर, 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 कायर नहीं कायर। आजादी, गुलामी, भीख, दान। शाबाश, आप पास हो गए हो। प्रणाम ऐसे डैश को सौ सौ बार हमारा, वीरो, वीरो को सौ सौ बार हमारा। ये आजादी हमें किसी से डैश में नहीं मिली है, भीख में नहीं मिली। ये आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। सुन रहे हो कांग्रेस और बीजेपी वालों, उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने डैश से भी अधिक प्यारा है। उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी प्यारा है, अधिक प्यारा है। वो कौन है? देशभक्त। वो लोग कौन है? देशभक्त। योर पास, योर पास, पास हो गया हमारा नौजवान। जय जवान, जय किसान। हाँ, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहा है या गांधी जी आ रहा है? कोई भी नहीं बचता अपने से इस भरे मैदान के अंदर, कोई बचता ही क्या अपने से? हाँ, हम भी ढोल नहीं है, हम भी नहीं बजेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो लाउड स्पीकर बन जाएंगे। हमारे देश के अंदर इलेक्शन चालू है, पब्लिक पूछ रही है कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। अबे कल समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ। हम लोग ध्रुव रेड्डी की तरह कंफ्यूज नहीं है, ना ही हम ध्रुव रेड्डी की तरह कंफ्यूज करते हैं लोगों को। हमारी पार्टी देखना कौन सी पार्टी है, मालूम है ना तुमको मियाँ भाई? तो बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हमको क्या फर्क पड़ता है, खिलाती क्या हमको? हम खुद दिमाग लगाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद डीली कुआं खोदते हैं तो पानी आता है हमारे घर में, समझ में आया? कोई पार्टी हमको खिलाती नहीं है। मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि ये सब स्क्रिप्टेड लोग हैं। जैसे मोदी जी विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर 2 मिनट भाषण नहीं दे पाते लोगों को। सामने वाला अगर विदेशी है तो उससे बात नहीं कर पाते 2 मिनट। उसी तरीके से हमारे पप्पू को भी स्क्रिप्ट मिलता है। रे ये मेरे देश के जवान, कौन बचाएगा अब हमारी किसान की जान को, कौन बचाएगा?
आज तो आएगा मोदी जी फिर से, तुम लिखो, लिख के ले लो भाई। वो थोड़ा है ना ऐसा फिर से आएगी कि हमारे देश की जनता भड़क ना जाए। राहुल गांधी देखना तुम, अभी जो कांटे की टक्कर है ना, किस तरीके से बीजेपी के साइड में चली जाएगी, मोदी जी के साइड में चली जाएगी। पूरी इलेक्शन की पोलिंग रिजल्ट सब मोदी जी पक्का आएगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी भाषण क्यों दिए हमारे राहुल गांधी जी ने, इतना बड़ा बड़ा भाषण क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि वो स्क्रिप्ट मिला था ना। अब स्क्रिप्ट कहाँ से मिला था? अबे जिसकी सरकार है पूरी दुनिया में, दज्जाल, मसीहुद दज्जाल, बिग बॉस मैन। इफ यू कांट अंडरस्टैंड मसीहुद दज्जाल, लेट मी गिव यू हिज पेट नेम। हिज नेम इज बिग बॉस। बिग बॉस ने स्क्रिप्ट दिया है कांग्रेस को भी, और उसी बिग बॉस ने स्क्रिप्ट दिया है बीजेपी को भी, सारे हिंदुओं को आपस में लड़वा दो। आज कोई भी आए, हमको कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग खुद मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मालूम है ना डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोले? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्रुव रेड्डी, डोंट गेट कन्फ्यूज। आप जो मेहनत कर रहे हो ना जिस फील्ड में, उस फील्ड का प्रिंसिपल हूँ मैं, आई एम योर सीनियर, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, प्लीज कॉन्टैक्ट मी 8850698338। 10 साल से हम, 2014 से हम लड़ रहे हैं, हमारा इतना नाम नहीं हुआ। यू नो वाई? क्योंकि हम है ना लोगों को एक मालिक की तरफ बुला रहे, और तुम इधर उधर पब्लिक को बुला रहे, अपनी तरफ बुला रहे, तो पब्लिक है ना बहुत बेवकूफ़ है, चली जाती है। पब्लिक को दिखने वाला भगवान चाहिए, दिखने वाला मसीहा चाहिए। हमारे पास दिखने वाला भगवान नहीं है, और मसीहा तो आएगा ना हम गरीबों को बचाने के लिए। ये कांग्रेस और बीजेपी तुमको नहीं बचा पाएगा, ठीक है? गरीबों को बचाने के लिए मसीहा आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएगी, और ये जो सरकार है ना, जो नकली मसीहुद दज्जाल जो अभी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, उसको कत्ल करने के लिए आएगी, तभी तो इंसानियत बचेगी। तो हमारे यहाँ पे ध्रुव राठी जैसे लोग, उन लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सुबह सुबह रविश कुमार आज वीडियो बनाए और इन्हें झगड़ा कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। किन के आगे? इलेक्शन कमीशन के आगे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। कौन? रविश कुमार, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सिटीजन एंड मोस्ट सीनियर रिपोर्टर ऑफ इंडिया, है ना? अबे मतलब भरोसेमंद है, ट्रस्ट वर्दी, सच बोलता है। ऐसा रविश कुमार आज सुबह सुबह आके रो रहा था अपने चैनल पे। इसका मतलब क्या? बीजेपी जीत रहा है और कांग्रेस हार रहा है, ठीक है? अभी ज़्यादा रिजल्ट के पीछे भागो मत, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, अपने घर में बीवी बच्चे माँ बाप है ना उनको संभालो, और धर्म के नाम पे लड़ने से पहले हमारे सामने आ जाओ, ठीक है? जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तुम हिंदू मुसलमान, तुम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। तुम लोग कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, ये अंग्रेज 300 साल तोड़ने की कोशिश किए, जब अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो ये बीजेपी क्या तोड़ेगी? तो ध्रुव राठी, थैंक यू वेरी मच, आपने कल एक और वीडियो बनाया, देखते हैं आपकी लड़ाई और कितना आगे चलती है। फिलहाल अभी रिजल्ट का इंतज़ार मत करो, मोदी जी जीत गए, काम पे चलो, ठीक है? जितने भी मियाँ भाई है, डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे अकलमंद कौन है? मियाँ भाई। इस रुए ज़मीन पर सबसे अकलमंद कौन है? हमारी पार्टी। आओ ध्रुव राठी, आओ ना सामने, वी आर नॉट कन्फ्यूज लाइक यू। अब समझ में आया? हमने इतनी गाली खा के मियाँ भाई की पार्टी क्यों चूज किया? मियाँ भाई के पास में नॉलेज है अबाउट पॉलिटिक्स, समझ में आ रहा है? सारी चीज़ों का नॉलेज मियाँ भाई के कॉलेज में, लेकिन हमारे फिरका परस मौलाना इस्लाम को बदनाम करने पे तुले हुए। तो मोदी जी आएगा, इन फिरका परस मुल्लों की बजाएगा, ठीक है? मोदी जी आना चाहिए।